हेलो गाइस, फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे इस मेरा जो लेटर बाइक है उसका मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो मॉडिफिकेशंस मैंने उतना ज़्यादा नहीं करवाया है, जितना मर्ज़ी हो सके स्टॉक ही रखवाया है। बहुत ही यूज़फुल जो कि मुझे लगा है कि थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जो भी करनी चाहिए उतना ही किया है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं किया। तो वीडियो में बने रहो, पूरा एंड तक वीडियो देखो, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऐसा ही वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहते हैं। बाइक में प्रॉब्लम्स भी आया था बहुत सारे, तो उसको उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो जाके देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले देख लो, तो एकदम बेसिक से चीज़ों से शुरू करते हैं। पहले जो कि है, देखो बाइक बहुत ही गंदा है, तो वो लेके थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है, 2 महीने हो चुके हैं बाइक को वॉश नहीं किया, तो बाइक गंदा ही है। तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको क्या किया। पहले जो कि आपको दिखेगा, ये यहाँ पे गोल्डन स्टिकर लगा के रखे हैं यहाँ पे शुरू सामने, जो कि बहुत ही अच्छा एक लुक आता है इसका। इसके बाद ये यहाँ पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा लगा के रखे हैं, इसका जो लुक है वो थोड़ा निखर के आता है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये फोर्क जो है थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था मुझे शुरू में, तो मैंने यहाँ पे TPS रेसिंग का जो लोगो होता है वो स्टिकरिंग करवा के यहाँ पे लगा रखे हैं। और कितना क्या कॉस्ट आया था पूरा मेरा इसका, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद आप डिस्क में देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने रेडर का जो लिखा हुआ होता है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद देखिए, तो जो टैंक था वो भी खाली लग रहा था, क्योंकि मुझे अपाचे का जो टैंक का लुक था, उसमें MotoGP का जो स्टिकरिंग था वो बहुत ही उसमें अच्छा सा एक लगता था। तो दोनों साइड मैंने ये MotoGP का जो लोगो है वो मैंने करवाया हुआ है, ये हाथ से किया हुआ है कट। यहाँ से पहले एक स्ट्राइप इन्होंने लगाया, फिर उसके बाद ये बॉक्स बॉक्स करके यहाँ पे ब्लैक, फिर एक वाइट ऐसे लगा दिया। तो ये भी आप लोग करवा सकते हैं। उसके बाद मैंने जो स्टिकरिंग करवाया वो इसका बैक वाला पार्ट है, टेल का पार्ट, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बेसिकली आता था ये सिल्वर कलर का, पर फिर मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसके लिए मैंने ये वाला पार्ट जो है ये दोनों साइड में मैंने रेड कलर का करवा रखा है। ये बेसिकली मैं ये वाला पार्ट भी चाहता था कि ये वाला भी मैं रेड करवा लूँ, क्योंकि ये भी खोलना पड़ता, तो उसके लिए तब मैंने नहीं करवाया। फिर भी बहुत अच्छा एक लुक आता है इसके रेड करवाने से। और यहाँ पे देख सकते हैं डीट एक कर रखा है उन्होंने, ताकि ये निकल ना जाए फट से। और स्टिकरिंग मैंने इसलिए करवाया क्योंकि पेंट से क्या होता है कि पेंट आप लोग फट से निकाल नहीं सकते, इसको जब चाहे मैं निकाल सकता हूँ, इसके लिए मैं स्टिकरिंग करवा रखी। तो ये हो गया बेसिक स्टिकरिंग के बाद। ओके, तो इसके बाद मैं आता हूँ, देखो यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का बहुत ही अच्छा चीज़ दिया हुआ है रेडर में, पर एक चीज़ है कि भाई मोबाइल होल्डर नहीं था, तो एक मोबाइल होल्डर मैंने लगा रखा है, पर ये नॉइज़ करता था, तो इसके लिए मैंने ये रबर जो होता है वो लगा रखा है फ़िलहाल के लिए। पर एक JB रेसिंग का एक होता है मोबाइल होल्डर होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि मैंने इसके पहले एक रॉयल एनफील्ड का रिव्यू किया हुआ है, तो उसमें JB रेसिंग का जो मोबाइल होल्डर था वो उस बाइक में लगा हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो कैसे उन्होंने अपने बाइक को मॉडिफाई करवाया है, छोटा मोटा चेंजेस, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और उसके पहले भी मैंने RS 200 का रिव्यू कर रखा है, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं मेनली जो मेन पार्ट है वो है भाई इसका मड गार्ड जो है ना, वो यहाँ ये वाला मैंने अलग से लगा रखा है। ये टायर हगर्ड जो है ये बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि ये पीछे से पूरा खाली रहता है, तो इसका जितना भी मड है पूरा पीछे जो बैठता है उसमें भी लगता है कभी कभी। और पीछे आप लोग का कोई बाइक या गाड़ी आ रहा है पीछे से, तो उस पर पूरा मड उस पर जाता है, तो इसके लिए मैंने ये लगा रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल एक चीज़ है, देखिए कितना मड इसने कवर किया है, पूरा गंदा हो रखा है, पूरा गंदा। तो ये बारिश के मौसम में बहुत ही एक यूज़फुल चीज़ होता है। और इसके लगाने से एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इसका टायर का जो डायमीटर है वो भी ये बड़ा लगता है थोड़ा देखने में पीछे से, तो इसका टायर थोड़ा पीछे का पतला रहता है, तो इसको लगाने के बाद इसका टायर का जो लुक है टायर का वो भी लगता है कि बड़ा एक टायर दिया गया है, ऐसा एक लुक आता है, तो बहुत ही अच्छा एक लुक निकल के आता है। फिलहाल तो बाइक गंदा है तो उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, इसके बाद एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें बाइक वॉश करके मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे इसका लुक पूरा निकल के आता है। इसके बाद और एक चीज़ है जो कि इसमें मुझे मॉडिफाई करवाना है, मैं सोच रहा हूँ,
तो जो कि है इसमें आप देख सकते हैं इसके मोनोशॉक में बहुत ही ज़्यादा गंदगी इसमें चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई शार्क फिन फेंडर और अलग से कुछ दिया गया नहीं है। इसका चेन कवर भी हाफ ही है, तो इसके यहाँ पे कुछ जुगाड़ करने का कोशिश करूँगा मैं इसके बाद, तो वो भी आप लोगों को दिख जाएगा। और बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम आया था क्या नहीं आया था अलग से मैं वीडियो बना रखा हूँ, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। आप देखो साइलेंसर भी मैंने वही पुराना वाला, मेरा जो कंपनी वाला है वही मैंने साइलेंसर भी लगा रखा है, क्योंकि चाहता तो साइलेंसर भी चेंज करवा सकता था मैं, पीछे का टायर भी मोटा लगवा सकता था, लेकिन उससे क्या होता है माइलेज जो है उसका बहुत ही कम हो जाता है, तो वो मैं नहीं चाहता। एक ही चीज़ इसमें बेस्ट है जो कि है माइलेज, और उसको मैं खोना नहीं चाहता कि माइलेज इसका कम हो जाए, तो ये मैं नहीं चाहता, माइलेज ही मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैंने इससे ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं करवाए, और जो मैंने बोला कि मोनोशॉक में बहुत ही ज़्यादा गंदगी जमा हो जाता है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, कुछ जुगाड़ करके इसके आपको आप लोग को दिखाऊंगा। तो ऐसे ही वीडियोस आप लोग को देखना है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मॉडिफिकेशन थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा स्टिकरिंग वगैरह, तो ये सब आप लोग अपने बाइक में करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, आपके पास अगर TVS Raider 125 हो तो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिसको भी ऐसा मॉडिफिकेशंस करवाने हैं अपने बाइक में। और इसका जो टायर वगैरह का है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप लोग जाके वहां से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।